गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? हाल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड सेफ। मेरी जान, सो संबलपुरी मूवी का टीजर आया है जिसका नाम है कली गीता। सो हम इस टीजर को देखने जा रहे हैं हिंदी में और देते हैं अपना रिएक्शन कि कैसा लगा हमें एज अ हिंदी ऑडियंस। विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू दिस टीजर। इन इंडिया एवरी 30 फार्मर सोसाइटी नीड्स एन एनयूस। काली, अब हम किसान क्या करेंगे? Only their lands were not taken. मनोज मिश्रा, जमीन हम सबकी है, इसलिए लड़ाई भी हम सबकी होगी। अगर लड़ते हुए मारे गए तो स्वर्ग मिलेगा, और जीत गए तो पूरा गांव। लेकिन अगर घुटने टेक दिए तो वहां भी नरक और यहां भी नरक। इन संबलपुरी उड़िया एंड हिंदी ऋषभ अग्रवाल। Farmer Society of Kerala, produced by Mamta Nanda, Rishabh Agarwal, directed by Rishabh Agarwal, और ये language तीन languages में देखने को मिलेगी, इन संबलपुरी, उड़िया और हिंदी में। वाओ, हिंदी में ये बहुत अच्छा है क्योंकि easily हिंदी को समझ लेते हैं अगर different languages से बिलोंग करते हैं वो लोग, उनकी मदर टंग कोई डिफरेंट लैंग्वेज है। ये जो एक थीम उठाई है बहुत अच्छी है, फार्मर्स के लिए उठाई है, और जो रियलिटी है, आई थिंक ग्राउंड रियलिटी इन्होंने एक मूवी में शो करी है। दिस टाइप ऑफ मूवीज वी नीड टू वॉच। मतलब कितने सारे सुसाइड करते हैं फार्मर्स, तो ऐसे भी कहानी होती है। मनोज मिश्रा इसमें लीड एक्टर हैं, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब अगर मैं बात करूं एक्टिंग की सबसे पहले, तो इतनी बेहतरीन तरीके से आया है उनके इमोशंस को, फार्मर्स के इमोशंस को। या ने भी जो एक फीमेल कैरेक्टर उन्होंने शो किया है, पोर्ट्रे किया है, वो भी बहुत ही काबिल तारीफ है कि अगर वो इतना बेहतरीन, एक बहुत रिस्की वाला ये एक कैरेक्टर है, अगर आप किसी कोई एक रियल स्टोरी बेस्ड अगर काइंड ऑफ अगर कह सकते हैं कि वहां से उठाते हैं, या जो चीजें रियल मुद्दा बोलते हैं जो वो उठा रहे हैं, उस पे कोई ऐसी मूवी बनती है, तो उसमें और ज्यादा आपके कंधों पर जिम्मेदारी हो जाती है कि आप उसको बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाएं, सो दैट ऑडियंस उसको रिलेट कर पाए और एक नई सोच के साथ, या कह सकते हैं कि क्रांति आ जाए। ऐसा आजकल ऐसा कुछ हुआ तो नहीं है, बट हाँ, काफी लोग इससे जागरूक होते हैं मुझे लगता है। तो ऐसी मूवीज आनी चाहिए, 100 में से कहें तो 30% तो जग ही जाते हैं सोते वाले, तो ये इस टाइप की मूवी बनना भी बहुत जरूरी है। और बात करें BGM की तो बहुत अच्छी है BGM, एकदम उसमें सस्पेंस लग रहा था। टीजर को टीजर दिया है, क्या है लड़ाई, मतलब एक छोटा सा हिंट तो दे दिया है इन्होंने टीजर में। जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि टीजर में आपको वो बनाना चाहिए, उसमें इतना ज्यादा रिवील नहीं करना चाहिए, कट टू छोटे छोटे ग्लिम्स दिखा देने चाहिए कि व्हाट दिस मूवी इज ऑल अबाउट, तो वो इन्होंने किया है। ट्रेलर आता है, ट्रेलर अगेन वो चीज होती है कि भाई क्यों देखनी चाहिए। अभी हमें ये पता चल गया है कि इसकी थीम क्या है, सर में हमेशा हमें थीम रिवील करनी चाहिए, तो इन्होंने एग्जैक्टली वही किया है। इस टाइप की एक मूवी आ रही है, कली गीता इस नाम की एक मूवी आ रही है, और वो किस कॉन्सेप्ट पे होने वाली है। हाँ, इसके ट्रेलर का हमें डेफिनेटली इंतजार रहेगा कि कैसी है ये मूवी और क्यों, क्या है इसमें ऐसा सस्पेंस, क्या ये अपने इम्पैक्ट छोड़ के जाती है, तो उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा इसके ट्रेलर का। सो वो हम इंतजार करेंगे। टिल देन, अगर टीजर की बात करें तो
मुझे बहुत अच्छा लगा। 10 out of 10 दूंगी भाई। मतलब इस टाइप के कॉन्सेप्ट के लिए ना रेटिंग मैं कभी नहीं करती भाई, ये तो देखनी ही चाहिए इस टाइप की मूवीज को। सो ये था मेरा रिएक्शन ऑन दिस कली गीता, सच अ ब्यूटीफुल टीजर। इफ यू लाइक दिस रिएक्शन सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू कैन नेवर मिस एनी अपडेट रिगार्डिंग दिस चैनल फॉर अपकमिंग टीजर ट्रेलर और सॉन्ग रिएक्शन। सो टिल देन बाय बाय, हास्ता ला विस्ता, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।